हम सभी ने कभी ना कभी किसी और की शादी में बिन बुलाए जाकर मुफ्त का खाना तो खाया है। मशरूम के लिए जगह नहीं बची यार, साइड में एडजस्ट कर ले। अबे तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो अपने माँ बाप की शादी में भी बिना बुलाया गया था। अबे मैं अपनी खुद की शादी में बिना बुलाया गया था। मैं हूँ बेस्ट वेडिंग क्रैशर। मैं हूँ बिगेस्ट वेडिंग क्रैशर। मैं हूँ। एक सेकंड, इसका फैसला ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे? तो आज हम घुसने वाले हैं एक अनजान शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर और वहाँ करने वाले हैं कुछ अतरंगी कारनामे। अबे दूल्हे के जूते चुरा ला। चलिए देखते हैं कि हम दोनों में से कौन है सबसे बड़ा बेगानी शादी का अब्दुल्ला दीवाना। भाई हमने ढूंढ निकाली है जीटी करनाल रोड पे ला मौर्या में एक शादी हो रही है और अब हम उसमें जाने वाले। अंदर जाके खूब हंगामा उठाएंगे, वीडियो एंड तक देखना और गाड़ देंगे। ये भी बता देना कि आपने कभी क्रैश करी है क्योंकि डर बहुत लगता है, मेरी फट रही है। अब हम एंट्री करने वाले हैं और एंट्री पे भाई मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ, तुझे जाके ना सबके पैर छूने हैं। चल ठीक है। उसके मृदुल के दोस्त है। हाँ जी हाँ जी, नाम तो हमने पता कर लिया था, मृदुल उसके दोस्त है। अंटी जी आप कैसे पहचानोगी सानू? भाई आपको मैं बताऊं, किसी भी अननोन वेडिंग में क्रैश करने के लिए ना आपको केवल और केवल कॉन्फिडेंस चाहिए। नमस्ते अखिल जी, कैसे हो बच्चे? ठीक है। चलो बढ़िया। अबे बच्चे ठीक है, मत तो साले पेले का अलग। हम लोग ना वेडिंग में क्रैश करने वाले इकलौते हम दोनों नहीं है, हमारे साथ भी दो जने आए हैं, राहुल और अमन। तो टोटल हम लोग चार जने क्रैश कर रहे हैं ये वेडिंग। भाई एक नंबर स्वाद। मंचूरियन? हाँ। मेरी साली खुद की शादी में इतने टेस्टी नहीं थे, वो अपनी थी ना। नहीं नहीं बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी। ससुर जी क्या मंचूरियन थे हमारी शादी के, ये तो कुछ भी नहीं। आप मुझे बताओ, आप कभी किसी शादी में क्रैश करके गए हो और पिटाई विटाई हुई है क्या, पकड़े गए हो बताओ कमेंट करके। भाई आज तो मजा आ गया खाना खा के यहाँ का। बाबू मजा तो अभी शुरू हुआ क्योंकि शादी के अंदर घुसना बड़ा टास्क नहीं है, टास्क तो अब शुरू होंगे। राहुल पर्चियाँ निकाल। तो हमारे पास 10 देर प्रिपेयर है जिससे डिसाइड हुआ कि अल्टीमेट वेडिंग क्रैशर कौन है। अबे संजू को निकला है कि संजू को शादी का खाना टिफिन में पैक कराना है। चल बाबू रेडी हो जा। अबे पागल है क्या भाई, कुछ और निकालने। मुझे लगा लंच बॉक्स में छोटा मोटा होगा, ये देखो टिफिन। मेरे को टिक्की चाहिए और एक में चाहिए गोलगप्पे। अबे तुम टोनी का कमाल देखियो, अब एक और डाल दो। चल भाई दो डब्बे कंप्लीट। भैया इसमें मटरी डालना, थोड़ा कम मसाला रखना, दादी के लिए चाहिए। एक टिक्की डाल दो। हाँ डाल दो सब डाल दो। पैक करा रहे हो क्या, शादी में खाना पैक भी कराने लग गए हैं लोग। अरे डब्बे में डाल रहा है क्या ये? भाई डब्बे में क्यों डाल रहे हो? ओए ये ऐसे उंगली करने की बात नहीं होती, थोड़ा जल्दी कर दो भाई, फट रही है मेरी। बस थैंक यू भैया। ओ भाई रोक लिया संजू, रोक लिया। थैंक यू भैया। बेचाना नहीं बेचाना, मैंने भी नहीं बेचाना। आओ फिर आओ। दो मिनट नहीं नहीं, एक मिनट उधर हो जा हम नहीं जानते। हाँ बताओ भाई, मैं तो जानता हूँ। अच्छा आप जानते हो क्या? अब किस किस की फटी? एक की फटी है भैया। अच्छा आप चैनल देखते हो क्या हमारा? शुक्र है, थैंक यू भाई, थैंक यू। बच गए भाई, बच गए। ये तो फॉलोवर निकले भाई, आप लोगों की वजह से ही हमारी इज्जत बची हुई है, नहीं तो कब की डूब चुकी होती। तो भाई ये हमारी दादी माँ के लिए हमारा खाना हो गया तैयार। लेकिन तो वहाँ नहीं अलाउड, आप ही के लिए तो पैक करा के लाए हैं। चलो भाई अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। वो पर्ची यही निकालेंगे अंदर अंदर। चल हाँ, तो ये निकला है, मुझे एक शादी के एक रिश्तेदार को कन्विंस करना है कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। चला आजा राहुल भाई, ये साला जा तो रहा है, मुझे नहीं पता रिस्क उठा रहा है, करेगा कैसे भाई? ये पिटेगा, जहां तक मेरा आइडिया है ये पिटेगा। आप कुलाची हंसराज में थे? हाँ। अच्छा यू नॉट फ्रॉम? अच्छा अच्छा ही यू आर फ्रॉम अमेरिका? ओके सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैं बोला, मैंने कहा भाई आप कुलाची हंसराज से हो, कह रहा आई एम फ्रॉम अमेरिका। संजू अगली पर्ची निकाल, देख के निकाल रहा है इस बारी। संजू का निकला है कि संजू को पार्टी में आए 3 गेस्ट को अप्सिलॉन के खास परफ्यूम लगा कर आने। अबे यार कोई और ऑप्शन नहीं आएगा भाई, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई जैसे इंप्रेशन जमाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वैसे ही कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए अच्छा स्मेल करना, और वो तेरे को देते हैं अप्सिलॉन के ये 3 परफ्यूम। सबसे पहले जा और गोल्डन स्टैंड खुद भी लगा और लगा कर आ जा।
देखिए जो ये गोल्डन सैंड परफ्यूम है जो संजू अभी गेस्ट को लगाने के आया, ये मेरी डेली लाइफ में फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। चाहे पसीना जिम में बहाना हो या फिर काम में, गोल्डन सैंड की स्पोर्टी और एनर्जेटिक फ्रेग्रेंस आपका घंटों तक साथ निभाएगी। ओए हाँ, दूसरा दे, ये तो हो गया। शूटिंग स्टार लगा कर आजा, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया। देखिए गाइस, ये जो शूटिंग स्टार संजू लगाने गया है ना, इसका स्पाइसी फ्रेग्रेंस बना है स्पेशल समवन पर इंप्रेशन जमाने के लिए। ये ले भाई, इसका भी काम हो गया, तीसरा दे। क्या बात है, ये ले मेरी जान, वाइल्ड ब्लू लगा कर। ओए ढंग से लगाइए, चीटिंग तो नहीं कर रहा। चीटिंग तू देख, अब की बार दूल्हे को ही लगा के आता हूँ। कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया। रोज की मगजमारी के बीच हम खुद को संवारना भूल जाते हैं, उसी के लिए आप सिलोन का वाइल्ड ब्लू परफ्यूम मुझे हर सुबह ओशन की फ्रेशनेस की फील देता है। अरे आ गया भाई, अब की बात तो दूल्हे की लगा दिया। वो तेरी तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। तो भाई अप्सिलॉन के ये तीनों परफ्यूम्स अवेलेबल हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अप्सिलॉन की खुद की वेबसाइट www.apsilonofficial.com पर। तो अभी जाइए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। जाइए जाइए, और हम अगला डेयर करते हैं। चल संजू, दस शादी में आए लोगों को स्नैक्स खिलाना है। दस शादी में आए लोगों को स्नैक्स खिलाना है। अरे प्लेट हो गई तैयार। तो भाई देखते हैं हमारा कलाकार कहाँ कलाकारी दिखाएगा। जाने की कोशिश तो कर रहा है। नमस्ते अंकल, ठीक है, ये खाइए। अरे खाइए खाइए, ट्राई करा आपने? नहीं खाते? मना कर दिया। अबे औरों को खिलाने लायक खुद खाया जा रहा है। यार राहुल मेरे को एक बात बता, शादी में ऑलरेडी स्नैक्स फ्री होते हैं, किसको क्या बोल के ऑफर करूँ, कुछ हेल्प तो करे मेरे भाई। मेरा भाई थोड़ा सा कम बोल झिझक रहा है, तो हमने उसको 10 से 5 कर दिया है। 5 में अबे बोलूं क्या, झिझक रहा है, जो मर्जी कर। मिल गया आइडिया, अब आ। भैया भैया एक बार आओगे यार मेरे साथ, प्लेट लेकर आ जाओ, वहाँ पे अंकलों को स्नैक्स चाहिए। भाई चालाकी कर रहा है, वेटर से वो कर रहा है, इसकी ऐसी तैसी। एक और प्लेट ले लो अगर ले सकते हो। अरे भाई क्या हुआ, वो अंकल जी ने स्नैक्स मंगाए हैं। तो अंकल जी ने चाप थोड़ी मंगाई होंगी? नहीं मंगाई है, मंगाई है। उनका डाइजेशन खराब रहता है। नहीं मंगाई है, डालो डालो चाप डालो, उनका डाइजेशन खराब रहता है। चलो आओ, एक ही बारी में पांचों खत्म करूंगा अंकल। ये स्टार्टर्स थोड़े, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, प्लीज प्लीज लीजिए लीजिए। चाप ले लेते हैं अंकल, लीजिए आंटी। मंचूरियन सब ले लिया, चलो वेरी नाइस। ये तो साले ने खिला दिए भाई, पूरी सेवा में लगा हुआ, इतनी सेवा अपने ससुराल वालों की नहीं की साले ने। That's how you get shit done. देख रहे हो, स्ट्रेटजी काम करके पर्ची निकालो भाई, अगली पर्ची निकालो, बैन तो बम मुझे करनी होगी। संजू को अगला टास्क मिला है कि इसको कोई भी तीन रिश्तेदारों से बुलवाना है, क्योंकि हमारी शादियों में होता है ना वो नाराज होने वाले फूफा, तो तेरे को ये बुलवाना है कि भाई साहब शादी में मजा नहीं आया, और उनको अग्री करना चाहिए उस बात पे। अबे भाई किसको बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा यार। इमेजिन करो किसी से ये बुलवाना पड़े कि भाई शादी में मजा नहीं आया, लड़की वालों के 2 करोड़ रुपए लग गए, तुम्हें मजा नहीं आया। अबे यार कोई अरेंजमेंट है, कोई अरेंजमेंट थोड़ी है यार, ये लड़की के ससुराल वाले मिल जाएं इसको, सही धर के लपेटेंगे इसको। गिरा हमें भी, हमें क्यों, हम तो जानते ही नहीं। रसगुल्ले या शुगर फ्री होने चाहिए, छोटे चोको चिप वाले नहीं खाए, अरेंजमेंट ठीक नहीं है ना यार। बच्चे से बुलवाने की कोशिश कर रहा है बेशरम आदमी, हट। एक भी नहीं हुआ यार भाई, आजा, तू फेल हो गया, तू फेल, अब बहुत हो गया, नहीं अब बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई। एक अंकल ने ना यूं कहा साफ साफ कि हर जगह सब कुछ नहीं मिलता है। दूल्हे का गिफ्ट दे देंगे, दूल्हे को गिफ्ट है, इसमें क्या है? ऐसे ऐसे गिफ्ट नहीं देने, चलो बता दो कैसे गिफ्ट देने आप। अरे भाई ओ भाई आ गया, बाल्टी लेके जा रहा है। क्या बात, झाड़ू। तो भाई हमने इनकी शादी में बड़ी धमा चौकड़ी मचवाई है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका कोई ऐसा ही क्रैशिंग वेडिंग का एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भाई हमारा ये का अल्टीमेट वेडिंग क्रैशर का आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट ही रह गया। मैं जीता तो हूँ भाई। कैसे, ऐसे? अबे दूल्हे के जूते चुरा लाए, वो क्या पहनेगा? अबे तो दिक्कत क्या, शगुन नहीं मिलेगा क्या?